CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम आले बाले। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते। आले बाले थे दो ग्वाले आले बाले। नए नए स्कूल में आए, शर्माए कुछ बोल न पाए, साफ न बोले फुसफुसाएं, फुसफुसफुस फुसफुसाएं। अच्छा बच्चों, तुम जानते हो फुसफुसाते कैसे हैं? अच्छा देखो, मैं फुसफुसाती हूँ। बच्चों, आले और बाले भी इसी तरह फुसफुसाते थे। तुम पूछोगे आले बाले कौन? तो लो सुनो, उन्हीं की कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। एक थी पाठशाला, गांव के पास ही थी। गांव के बच्चे उस शाला में आते थे, हाथ मुंह धोकर आते थे, दांत साफ करके आते थे, अच्छे कपड़े पहनकर आते थे। बगल में बसता स्कूल का रास्ता चल पड़ते, उछलते कूदते चिल्लाते स्कूल में आते। तुम सभी तो ऐसे ही आते हो ना स्कूल। कक्षा में मास्टर जी के आते ही शोर बंद हो जाता, चिल्लाना बंद हो जाता, सब चुप बैठ जाते। मास्टर जी पढ़ाते, बच्चे पढ़ते। इसी स्कूल में पढ़ते थे दो ग्वाले, एक का नाम था आले और दूसरे का नाम था बाले। आले और बाले स्कूल में नए आए थे, सबसे शर्माते थे, साफ साफ बोल नहीं पाते थे। मास्टर जी ने आले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आले फुसफुसाया, आले, धीमी आवाज में बोला, आले। मास्टर जी ने कहा, भाई जरा जोर से बोलो, साफ साफ बोलो, हमें तो सुनाई भी नहीं दिया, तुम तो फुसफुसा रहे हो। हाँ तो बताओ तुम्हारा क्या नाम है? आले। इस बार वो जोर से बोला। मास्टर जी बोले, शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरह साफ साफ बोलते हैं, फुसफुसाते नहीं हैं। फुसफुसाने से तुम्हारी बात किसी की समझ में नहीं आएगी। आले बोला, मैं नहीं फुसफुसाऊंगा मास्टर साहब, साफ साफ बोलूंगा, जोर से बोलूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर जी ने अब बाले से पूछा। बाले बोला, बाले। मास्टर जी चौंक कर बोले, अरे ये क्या, तुम भी फुसफुसाते हो? भाई जरा जोर से बोलो, साफ साफ बोलो, जो हमें भी सुनाई दे। अगर तुम बोलो और तुम ही सुनो तो कैसे काम चलेगा? आले बीच में बोल पड़ा, मैं बताऊं मास्टर जी इसका नाम? मास्टर जी बोले, नहीं तुम नहीं बताओगे, इसे ही बताने दो, ये भी तो बोलना जानता है। हाँ भाई बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मास्टर जी ने फिर बाले से पूछा। इस बार बाले फुसफुसाया नहीं, साफ साफ बोला। मास्टर जी मेरा नाम है बाले। मास्टर जी बोले, बहुत अच्छे, इस तरह बोलते हैं, साफ साफ जोर से बोलते हैं, जिससे दूसरों की समझ में आए, फुसफुसाते नहीं हैं, समझ गए ना? बाले ने कहा, मैं तो पहले से ही जानता हूँ मास्टर जी, एक दिन हमारे घर में चोर आ गए, हमारी दादी जाग गई, दादी ने शोर मचा दिया, दादी चिल्लाई, चोर चोर चोर। शोर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया, चोर भी भाग गए, हमारे घर में चोरी नहीं हुई,
मेरी दादी कहती हैं अगर मैं न चिल्लाती तुम्हारे बाबा को फुसफुसा कर ही बताती कि चोर है चोर है चोर है। तो क्या चोर भागते? कभी ना भागते। मैं ये बता रही थी बच्चों कि आले बाले जब नए नए स्कूल आए बहुत शर्माते थे, साफ साफ न बोल कर फुसफुसाते थे। फिर बाद में क्या हुआ? ठीक तरह बोलना सीख गए। पहले तो वे स्कूल आने में बहुत रोते थे, अब खुशी खुशी स्कूल आते। अब तो वे बोलते ही नहीं बल्कि खूब शोर मचाते, चीखते चिल्लाते। आले इधर आ, मेरे पास पेंसिल है। बाले बाले तुम ही इधर आ जाओ। एक रोज वो अपनी कक्षा में चिल्ला रहे थे, तभी आ गए मास्टर जी। मास्टर जी ने उन्हें फटकारा और बोले, अच्छा तो तुम दोनों चिल्ला रहे थे, स्कूल सिर पर उठा रहे थे, अब चुप क्यों खड़े हो और मचाओ शोर? आले बाले बोले, मास्टर जी माफ कर दीजिए, हम अब शोर नहीं मचाएंगे, अब नहीं चिल्लाएंगे। मास्टर जी ने प्यार से समझाया, हाँ बेटे चिल्लाना बुरी बात है, अच्छे बच्चे बनो, याद रखो अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, अच्छे बच्चे कभी नहीं चिल्लाते। आले और बाले ने मास्टर जी की बात मान ली। अब वे स्कूल में न शोर मचाते और न चिल्लाते, ध्यान से अपनी किताब पढ़ते, वही किताब जो तुम पढ़ते हो, दूसरी किरण। आले बाले दूसरी किरण बड़े ध्यान से पढ़ते, ऐसे, आओ मेरा आओ देखो मेरा घर, घर में माँ है पिताजी है। बच्चों आले और बाले स्कूल से वापस घर आकर भी अपना समय बेकार नहीं गवाते थे। स्कूल से आकर वे जंगल में अपनी भैंस और गाय चराने चले जाते, शाम को घर लौट आते। आले बाले थे दो ग्वाले, थी दो ग्वाले आले बाले। स्कूल से जब घर पर आते गाय चराते भैंस चराते, अपने साथ किताब ले जाते, लिखते पढ़ते गाय चराते। एक दिन वे दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे थे, तभी बाले की काली गाय दूर निकल गई। दूसरे के खेत में जाने ही वाली थी कि बाले ने देख लिया, वो वहीं से चिल्लाया, काली गाय खेत में उनके भागी जाए, काली गाय चली कहाँ, दौड़ कर आओ अभी यहाँ। काली गाय ने सुना और लौट आई उसके पास। गाय तो उसकी आवाज सुनकर आ गई, मगर आले बाले पर बहुत नाराज हुआ, बोला, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, मास्टर जी का कहना नहीं मानते। बाले ने कहा, क्यों मैं तो मास्टर जी का कहना मानता हूँ। आले ने बताया, तुम शोर मचाते हो, चिल्लाते हो, चिल्ला चिल्ला कर गाय को बुलाते हो, तुमने तो स्कूल में कहा था अब नहीं शोर मचाएंगे, कभी नहीं चिल्लाएंगे। बाले उसकी बात सुनकर बोला, वो बात तो स्कूल की थी, गाय भैंस चराने की बात नहीं, जंगल में चिल्लाना क्या बुरी बात है? आले बोला, वाह जी वाह, बुरी बात तो सब जगह बुरी बात, अच्छी बात तो सब जगह अच्छी बात। बाले नहीं माना, वो बोला, छोड़ भाई, स्कूल की बात से मेरी गाय कोई लौट आती, बता अगर मैं न चिल्लाता तो क्या उसके पीछे पीछे भागता? चिल्लाने से जरा सी देर में काम बन गया। वे दोनों इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि उन्होंने किसी की आवाज सुनी, कोई चिल्ला रहा था, अरे कोई है मुझे बचाओ बचाओ, निकालो निकालो, बचाओ निकालो निकालो। दोनों ने सुना और उस ओर चल दिए जिस ओर से
आवाज आ रही थी। बच्चों, जंगल में था एक अंधा कुआं। कुएं का पानी सूख गया था। आवाज उसी कुएं से आ रही थी। शायद कोई उस कुएं में गिर पड़ा था। दोनों पहुंचे कुएं के पास। सुना, कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो मुझे, निकालो। बाले बोला, अरे ये तो पाली राम की आवाज है। आले और बाले के पास एक बड़ी सी रस्सी थी। उन्होंने पास के पेड़ में रस्सी का एक सिरा बांध दिया और दूसरा सिरा नीचे फेंक दिया कुएं में। पाली राम डोर पकड़कर धीरे धीरे चढ़े और कुएं के बाहर आ गए। पाली राम अब कुएं से निकल आए। अच्छा तो बच्चों, ये देखकर आले पाले ने खुशी से ताली बजाई। तभी बाले बोला, पाले राम चिल्लाते नहीं, आले बाले आते नहीं, अगर कुएं में फुसफुसाते बाहर नहीं निकल पाते। क्यों पाले राम, मैंने ठीक कहा ना? क्या मतलब? तो आले ने कहा, शोर मचाना बुरी बात है, चिल्लाना भी बुरी बात है। आले की बात सुनकर बाले बोला, पाले राम चिल्लाते नहीं, आले वाले आते नहीं, अगर कुएं में फुसफुसाते बाहर नहीं तुम निकल पाते। अच्छा, अब समझा तुम्हारी बात। तुम मेरी बचाओ बचाओ की आवाज को चिल्लाना कह रहे हो। दोनों बोले, जी हाँ। पाली राम ने कहा, अरे भाई, बचाओ बचाओ चिल्लाना नहीं था, उसे पुकारना कहते हैं। जोर से बोलकर किसी को बुलाना, चिल्लाना बेमतलब होता है, चिल्लाने में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, खूब जोर से बोलते जरूर हैं। बाले ने कहा, मैं तो समझ गया पाले राम, अब आले को समझा दो। मैं अपनी काली गाय को बुला रहा था, मैं उसे पुकार रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, और ये कह रहा था कि तुम चिल्लाकर अपनी गाय को क्यों बुला रहे हो। तभी उसने देखा काली गाय फिर दूर निकल गई, किसी के खेत में जाकर चरने लगी। बाले फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, उसने पुकारा, गाय को बुलाया, काली गाय कहाँ जाए कहाँ जाए, काली गाय चली कहाँ, दौड़ के आ अभी यहाँ। काली गाय दौड़ कर आ गई। आले बाले और पाले राम गाय भैंसों के साथ लौट आए अपने घर। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।